To stay updated, subscribe to TJA Academy. Bismillahirrahmanirrahim. Aaj hum discuss karne ja rahe hain ki what is economics. बहुत सारी perceptions हैं, students की perceptions हैं, different teachers की perceptions हैं, पढ़ाना कैसा है, पढ़ना कैसा है. बहुत सारे लोगों से आपने ये वर्ड सुना होगा, बहुत ही खुश्क है, मज़ा नहीं आता, याद बहुत करना पड़ता है. असल में देखें, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको याद करना पड़े, वो रट्टे वाला, वो मुश्किल ही होती है. लेकिन अगर आपको कोई चीज़ समझ में आनी शुरू हो जाए तो आपकी केमिस्ट्री जिससे मैच करनी शुरू हो जाए, फिर वो चीज़ मुश्किल नहीं रहती. तो असल बात यही है कि इस सब्जेक्ट से केमिस्ट्री को अलाइन करना है. जैसे वो अलाइन हो जाए, बेसिक ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाए, सब्जेक्ट बहुत आसान हो जाता है. तो आज इसी चीज़ की थोड़ी कोशिश करते हैं कि इसका जो एक फेयर है सब्जेक्ट का, वो इंशाल्लाह आज ख़त्म हो जाएगा. देखें, अब इकोनॉमिक्स को समझने के लिए हम मूव करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, कि डेफिनेशन है क्या. अच्छा, अब यहाँ पर फूड फॉर थॉट के लिए कुछ चीज़ें हैं, वो देखें. एक फ़िलासफिकल डिबेट है, उसके बहुत लाइट से टच करके हम आगे बढ़ेंगे. देखिए, अब तक हम जो भी हम मैट्रिक में, इंटर में या प्रीवियस जो क्लासेस हैं उसमें हम जब भी हम पढ़ते थे, तो मैट्रिक में, इंटर में टीचर आते थे, वो सब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन बताते थे. हाँ भाई, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस डील विद मैटर एंड एनर्जी. इस तरीके से बायोलॉजी की डेफिनेशन, केमिस्ट्री की डेफिनेशन और दूसरी तरह की डेफिनेशन. और इन तमाम की तमाम डेफिनेशंस के लिए जो टूल कोई भी टीचर इस्तेमाल करता है, वो होता है, वो होते हैं वर्ड्स, वर्बल मोड के थ्रू. यानी कुछ वर्ड्स हैं और उन वर्ड्स को जब टीचर एक्सप्लेन करता है तो हमें समझ में आ जाता है, अच्छा इसे फिजिक्स कहते हैं, इसे केमिस्ट्री कहते हैं, इसे बायोलॉजी कहते हैं और डिफरेंट चीज़ें. तो इसका मतलब ये हुआ, हम आज तक जो डेफिनेशन पढ़ते चले आ रहे हैं उसमें जो मोड हमने इस्तेमाल किया है, वो इस्तेमाल किया हमने वर्बल मोड, यानी वर्ड्स के थ्रू चीज़ों को समझा है और फिर हम उसकी डिटेल में गए हैं. इसी तरह हर सब्जेक्ट के साथ होता था. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब क्लास में मैथमेटिक्स का टीचर एंटर होता है, तो उसने कभी आपको डेफिनेशन नहीं बताई होगी कि ये चीज़ ये है, ब्रांच ऑफ साइंस विच फला इन फला, ये से मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं बताई, डिस्कशन ही नहीं हुआ होगा. उसकी बुनियादी वजह यह है कि बच्चों ने भी नहीं पूछा होगा कि डेफिनेशन है क्या. मैथ्स कहते किसको हैं, फिजिक्स के टीचर आ रहे हैं वो डेफिनेशन बता रहे हैं, केमिस्ट्री के आ रहे हैं वो डेफिनेशन बता रहे हैं, बायोलॉजी के आ रहे हैं वो डेफिनेशन बता रहे हैं, फिलोसफी के आ रहे हैं वो डेफिनेशन बता रहे हैं. मैथ्स का आ रहा है तो कोई डेफिनेशन नहीं है, डायरेक्ट इक्वेशन से स्टार्ट, डायरेक्ट एक्सपाइंड करने से शुरू. तो इसलिए फूड फॉर थॉट है ये कि पढ़ना भी एक आर्ट है, तो कोशिश करें कि अंडरस्टैंडिंग वहाँ से भी आप अच्छी करें कि हाउ टू स्टडी, पढ़ना कैसे. तो खैर, ये एक फ़िलासफिकल डिबेट है कि मैथ्स की डेफिनेशन इटसेल्फ है क्या और फिर हम कहाँ मोड करेंगे, बस मूव करेंगे. बस यहाँ पर एक बात ध्यान में रखें कि ये वर्बल मोड, हमने कहा कि अब तक हम जो डेफिनेशंस पढ़ते चले आ रहे हैं वो कुछ वर्ड्स का मजमूआ होती है, कुछ वर्ड्स आप कलेक्ट करते हैं और हमें बात समझ में आनी शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं वर्बल मोड. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वर्ड्स से कैप्चर नहीं होती. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जब मैं क्वेश्चन करूँगा ना, उसके बाद वीडियो को कीजिएगा पॉज और फिर सोचिएगा कि इसका जवाब क्या है. इस बोर्ड का कलर क्या है? सब कहेंगे वाइट है. अब वीडियो को पॉज करें और ज़रा कुछ वर्ड्स कलेक्ट करके वाइट की डेफिनेशन आप लिख सकें तो लिखें कि व्हाट इज़ वाइट. अच्छा, अब कुछ लोगों ने पॉज किया होगा, कुछ नहीं किया होगा. देखें, कुछ बोल रहा होगा सिंबल ऑफ पीस, कुछ बोल रहा होगा इसमें सारी वेव्स कैप्चर हो जा, सारी वेव्स रिफ्लेक्ट हो जाती हैं जिसकी वजह से वाइट नज़र आ रहा होता है, इसकी वेव लेंथ इतनी है, इसकी फलां इतना है. तो क्वेश्चन ये है कि अगर किसी ब्लाइंड को ये सारी प्रॉपर्टीज़ बता दी जाएँ तो क्या वो समझ लेगा कि वाइट कलर क्या होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता. आपने भी बचपन में स्कूल में जब वाइट कलर पढ़ा होगा या घर में ये कि वाइट कलर क्या है, तो इस तरह नहीं पढ़ा होगा कि वाइट कलर ये होता है, कहा गया होगा ये वाइट कलर, दैट्स इट. इसके अलावा कोई और डेफिनेशन नहीं. दिस इज़ ब्लैक, ब्लैक की कोई डेफिनेशन नहीं पड़ी होगी. दिस इज़ ब्लू, इसकी डेफिनेशन नहीं है.
इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ें डिफाइन करने के लिए वर्ड्स इनफ नहीं होते। अब जैसे हमने कहा ना कि आप सारे सब्जेक्ट आप वर्बल मोड से पढ़ लेते हैं, कलर्स वर्बल मोड से नहीं पढ़ सकते, कलर्स के लिए विजुअल मोड चाहिए, विजुअल मोड, देखेंगे नहीं तो नहीं बता सकते। तो इसी तरीके से एक लंबी एक फिलोसफिकल डिबेट है। तो हम जो इकोनॉमिक्स, अब तो फिलोसफिकल डिबेट इसलिए क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्ट यहाँ पर डेवलप हो, अब इकोनॉमिक्स की तरफ आते हैं कि अब इकोनॉमिक्स को समझने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे। तो याद रखिएगा हम अपना ट्रेडिशनल वे ही यूज़ करेंगे और हम वर्बल मोड को इस्तेमाल करते हुए इकोनॉमिक्स समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब इकोनॉमिक्स को समझने के लिए कुछ चीज़ों का समझना ज़रूरी है। गुड्स, सर्विसेज, रिसोर्सेस। गुड्स, सर्विसेज, रिसोर्सेस। गुड्स किसे कहते हैं? याद रखिएगा एनीथिंग विच इज़ यूज टू फुलफिल आर नीड्स एंड वॉन्ट्स। अपनी नीड और वॉन्ट्स को फुलफिल करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है, एंड इफ द थिंग इज टेंजिबल, एनी टेंजिबल आइटम विच इज़ यूज टू फुलफिल आर नीड्स एंड वॉन्ट्स। कोई सी भी ऐसी टेंजिबल चीज़ जिसको आप नीड एंड वॉन्ट्स को फुलफिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो कहलाते हैं गुड्स। जैसे मार्कर, जैसे बोर्ड, जैसे मोबाइल, जैसे लैपटॉप, जैसे कैमरा, हर वो चीज़ जो टेंजिबल हो, यानी जिसको छुआ जा सके, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, हर वो टेंजिबल चीज़ जिसके थ्रू आप नीड एंड वॉन्ट्स को फुलफिल करते हैं वो आपके पास कहलाती हैं गुड्स। और इसी तरीके से हर वो चीज़ जिससे आप अपनी नीड्स एंड वांट्स को फुलफ़िल करते तो हैं लेकिन वो टेंजिबल नहीं, वो होती हैं इनटेंजिबल, वो सारी की सारी आपके पास क्या कहलाती हैं? सर्विसेज। फॉर एग्जांपल डॉक्टर सर्विसेज, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। जो कोई भी चीज़ सेल परचेज होती है उसमें बीच में जो एजेंट होते हैं वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके वो चार्ज करते हैं। तो बेसिकली all tangible thing which is used to fulfill our needs and wants call goods and all intangible things kya kehlayenge services। aur in dono ko merge kar agar hum koi naam dena chahe to humne keh diya yahan hamare paas resources hain, yani kuch tangible hain kuch intangible hain, to hum in dono ko ek word keh sakte hain kya? Resources। ab resources ke hawale se kuch resources hote hain jo freely available hote hain और कुछ कॉस्टली होते हैं, यानी आपके लिए कुछ ना, आपको कुछ ना कुछ उसकी क्या पे करनी पड़ती है? कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। अच्छा, फ्रीली अवेलेबल रिसोर्सेज कौन से हैं? जैसे जवाब आएगा फौरन, हवा, सनलाइट, मूनलाइट, रेन, ये सब फ्रीली अवेलेबल हैं। क्योंकि ऐसा है नहीं कि आपको कुछ पे करना पड़ता हो सनलाइट के लिए, नहीं, सनलाइट अवेलेबल है, आप जाके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप कॉस्ट बेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये कॉस्ट, उसके लिए कॉस्ट बेयर की गई है। आप जो लैपटॉप देख रहे हैं उसके लिए आपने, या कंप्यूटर पर हैं उसके लिए आपने कॉस्ट बेयर की है। तो कुछ चीज़ें फ्रीली अवेलेबल होती हैं, वो भी रिसोर्स होती हैं। कुछ अवेलेबल एट सम कॉस्ट होती हैं, वो भी आपके पास रिसोर्स होती हैं। अब सवाल ये है कि फ्रीली अवेलेबल क्यों होती हैं और किसी चीज़ के लिए हमें कॉस्ट क्यों बेयर करनी पड़ती है? तो इसके लिए ध्यान में रखें कि हर वो चीज़ बेसिकली जिसकी सप्लाई अनलिमिटेड हो, यानी ऐसा ना हो कि एक बारिश हो रही है तो एक आदमी रेनफॉल एंजॉय कर रहा है, दूसरे को मना कर तुम नहीं आना इन तो कम पड़ जाएगी, ऐसा नहीं। फ्रीली अवेलेबल, एक एंजॉय कर रहा है, दूसरा, तीसरा, जितने चाहे एंजॉय कर सकते हैं। तो इसका मतलब फ्रीली अवेलेबल का मतलब ये हुआ कि फ्रीली अवेलेबल वो सारी रिसोर्सेज होती हैं जिनकी सप्लाई लिमिटेड नहीं होती, अनलिमिटेड होती है। दूसरी तरफ कॉस्टली वो सारी रिसोर्सेज होती हैं जिनकी सप्लाई लिमिटेड होती है। बहुत सारे लोगों के जहन में आएगा, अच्छा नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, नहीं, सारी नेचुरल रिसोर्सेज फ्रीली अवेलेबल नहीं होती हैं। फ्रूट्स नेचुरल रिसोर्स है लेकिन वो फ्रीली अवेलेबल नहीं, क्यों? क्योंकि उसकी सप्लाई लिमिटेड है, सप्लाई अनलिमिटेड नहीं है। तो हमने डिस्कस किया गुड्स, हमने डिस्कस की सर्विसेज, हमने डिस्कस की रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की दो टाइप देखी, फ्रीली अवेलेबल होना और अवेलेबल एट सम कॉस्ट। अब रिसोर्सेज से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है जो हमने कहा कि नीड या वांट, और दूसरी तरफ इसके कॉन्सेप्ट है रिसोर्सेज का। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखें, याद रखें कि नीड एंड वांट्स हमेशा ग्रेटर होंगे किससे? रिसोर्सेज से। नीड एंड वांट्स ऑलवेज ग्रेटर देन रिसोर्सेज, क्योंकि ये फॉर द टाइम बीइंग तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, रिसोर्स अवेलेबल हो गई, आपने वो नीड फुलफ़िल हो गई,
तो ये तो उस वक्त आपको लगा कि रिसोर्सेज और नीड बराबर होगा, लेकिन थोड़े अरसे के बाद दोबारा नीड आ जाएगी, किसी और चीज़ की नीड आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी कोई भी चीज़ यूज़ करने के बाद, रिसोर्सेज यूज़ करने के बाद बोलें अब मेरी नीड एंड वांट सारी ख़त्म हो गई, नहीं, थोड़े अरसे के बाद, थोड़े टाइम के बाद फिर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल थर्स्ट ले लें आप, प्यास, अभी आप पानी पी लें, आपकी प्यास बुझ जाए, अब आपके लिए पानी रिसोर्सेज, आप रिसोर्सेज से प्यास फुलफिल हो गई, दोबारा नहीं लगेगी, दोबारा बिल्कुल लगेगी। तो इसका मतलब नीड एंड वांट्स हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनको पूरा करने के लिए रिसोर्सेज भी हमेशा अवेलेबल हो इनफ। तो हमेशा नीड एंड वांट्स ज़्यादा ही मिलेंगी किसके मुकाबले में, देन रिसोर्सेज। तो ये तो कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, अभी हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ही समझी, अभी हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज समझा है। अब हम मूव करते हैं नीड एंड वांट्स रिसोर्सेज के बाद रिसोर्स एलोकेशन की तरफ। एज्यूम करें कि हमारे पास दो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी, और दोनों की पॉकेट मनी हम एज्यूम कर लेते हैं कितनी, 5000, ठीक है, 5000। और यहाँ पर जैसे आप एक यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट हैं तो आपकी कुछ नीड्स होंगी, ज़रूरी नहीं है सबको पॉकेट मनी मिले, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि पॉकेट मनी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्योर स्टूडेंट हैं, उनकी फॉर एग्ज़ाम्पल इनका होगा जो सबसे पहली नीड जो जहन में आ रही होगी वो मोबाइल चार्जिंग होगा, मोबाइल बैलेंस जिसे आप कहते हैं, ठीक है, फेयर्स, फिर कुछ बच्चों के लिए लिख देते हैं बुक्स, इंटरटेनमेंट, क्लोथिंग, गिफ्ट आइटम, क्लोथिंग, चैरिटी और स्टेशनरी, इंटरटेनमेंट वगैरह, ये कुछ हमने नीड्स लिखी हैं, इससे ज़्यादा भी होंगी लेकिन अभी हम यहीं पर उसको रोकते हैं। और 5000 स्टूडेंट ए ने भी इन्हीं चीज़ों में एलोकेट करने हैं और स्टूडेंट बी ने भी इन्हीं चीज़ों में एलोकेट करना है। अच्छा, स्टूडेंट ए बाय नेचर हाई ग्रेड स्टूडेंट, अच्छा यहाँ पर हाई ग्रेड और लो ग्रेड का मतलब इनके करेक्टर पर कोई बात नहीं है, हाई ग्रेड स्टूडेंट का एटीट्यूड डिफरेंट होता है, ये लो ग्रेड स्टूडेंट है, यानी पढ़ने में ज़्यादा दिल लगता होगा इनका, उसके मुकाबले में कम लगता होगा, बस इससे ज़्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं। अच्छा अब देखें, अब हाई ग्रेड स्टूडेंट अपनी पॉकेट मनी को यहाँ पर क्या कर रहा है, एलोकेट कर रहा है, मोबाइल चार्ज उसने लगा दिए फॉर एग्ज़ाम्पल 600, फेयर्स में खर्च हो गए 2000, बुक्स में खर्च हो गए 1000, बुक्स, फोटोकॉपी, इस तरह की सारी चीज़ें, इंटरटेनमेंट में खर्च हो गए 1000, ठीक है, क्लोथिंग के लिए रख लिए उसने कितने हो गए 2, 3, 4, 6, 200 के बाद में कभी इस्तेमाल किया जा सकता है इस हवाले से, चैरिटी 50 और ये 150, ये आपके पास बन गए 200, 400, 14, 24, 44, 5000, ये आपके पास पूरे 5000 एलोकेट हो गए। अब इस इंडिविजुअल ए ने ये 5000 जो एलोकेट किया है, यकीनन इसकी एलोकेशन के बाद अगर ये इस तरह स्पेंड कर देगा तो ए को क्या हासिल हुई होगी, कुछ ना कुछ लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हासिल हुआ होगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा बी को कहते हैं, बी की भी वही पॉकेट मनी है, रिसोर्सेज यही है, अब एलोकेट करें, अब बी एलोकेट कर रहा है, बी कैसे एलोकेट कर रहा है भाई, मोबाइल 1000, फेयर्स, थोड़ा ज़्यादा घूम फिर लेते होंगे, आप इसको थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हमने ऐसे एलोकेट कर दिया। अच्छा अब बी के पास भी रिसोर्सेज वही थी, नीड एंड वांट्स भी वही थी, लेकिन एलोकेशन इस तरीके से की, अब यकीनन बी को भी कोई ना कुछ क्या हासिल हो रहा होगा, सेटिस्फेक्शन, ओके, इसका मतलब ए के पास रिसोर्स थी, उसने इस तरह एलोकेट किया, सेटिस्फेक्शन हासिल की, बी के पास रिसोर्स थी, इसने इस तरीके से एलोकेट किया, सेटिस्फेक्शन हासिल की। अब एक बात ये बताएं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ए और बी को ये एलोकेशन करनी क्यों पड़ी,
कि भाई इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना, भाई जितना दिल चाहे यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना दिल चाहे यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप क्या आंसर करेंगे, भाई पॉकेट मनी लिमिटेड है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि रिसोर्सेज लिमिटेड है। रिसोर्सेज कैसे लिमिटेड है, जबकि वॉन्ट्स और नीड्स कैसी हैं, अनलिमिटेड है। ये देखने में लिमिटेड लग रहा है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि मोबाइल चार्जेस को भी लिमिट है, तो भाई अगर आप फ्रीली इस्तेमाल करना चाहें तो जितना चाहें इस्तेमाल करें, इस तरह फेयर्स भी जितना चाहें इस्तेमाल करें, इंटरटेनमेंट भी जितना चाहें स्पेंड कर दें। तो इसी तरीके से ये आपको डिसीजन जो लेना पड़ा कि किस में कितना पैसा खर्च करना है, एलोकेट करना है, याद रखिएगा इसकी बुनियादी तौर पर रीज़न क्या था, रिसोर्सेज लिमिटेड थे। वही बात जो हमने यहाँ डिस्कस की थी कि रिसोर्सेज हमेशा कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और आपको क्या करना पड़ता है, एलोकेट करना पड़ता है। अच्छा, अब इसकी मजीद इन डेप्थ जाते हैं। ए ने इस तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट किया, कोई ना कोई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल गई। बी ने इस तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट किया, कोई ना कोई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल गई। अब मैं ए को कह रहा हूँ कि भाई आप 5000 स्पेंड करें अपने ऊपर, लेकिन प्लान ये वाला ले लें, और बी को कहा जा रहा है कि 5000 स्पेंड करें, प्लान ये वाला ले लें। तो अब मुझे बताएं सेटिस्फेक्शन लेवल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। भाई ए को कुछ ना कुछ तो मिलेगी, बी को कुछ ना कुछ तो मिलेगी, लेकिन उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी जितनी ए को अपने प्लान के अकॉर्डिंग मिल रही है, बी को अपने प्लान के अकॉर्डिंग मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो कोई भी कर सकता है, ए ऐसे भी कर सकता है, ए ऐसे भी कर सकता है, बी ऐसे भी कर सकता है, बी ऐसे भी कर सकता है। तो रिसोर्सेज का यूज़ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। असल इम्पॉर्टेंट क्या है कि रिसोर्सेज का ऐसा इस्तेमाल करना। रिसोर्सेज कैसी हैं, लिमिटेड, और वॉन्ट्स कैसी हैं, अनलिमिटेड। तो लिमिटेड रिसोर्सेज का अनलिमिटेड वॉन्ट्स में ऐसा इस्तेमाल करना, ऐसा यूज़ के लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कैसा हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। आई रिपीट, लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वॉन्ट्स, इनकी आपस में ऐसी एलोकेशन के सेटिस्फेक्शन कैसी हो जाए, मैक्सिमम। आई रिपीट कि लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए अनलिमिटेड वॉन्ट्स को ऐसे एलोकेट करना कि सेटिस्फेक्शन कैसी हो जाए, मैक्सिमम, इस चीज़ का नाम इकोनॉमिक्स है। हाउ स्केयर्स रिसोर्सेज, यहाँ लिख देते हैं, हाउ स्केयर्स रिसोर्सेज, स्केयर्स मीन्स लिमिटेड, रिसोर्सेज आर एलोकेटेड in different want in best possible manner. How scarce resources, limited resources को कैसे are allocated, allocate किया जाता है in different wants, मुख्तलिफ ख्वाहिशात में, in best possible manner, best possible manner means ऐसी चीज़ जिससे आपका, ऐसा manner जिससे आपका level of satisfaction कैसा हो जाए, maximum, इस चीज़ को कहते हैं economics. How scarce resources are allocated in different wants in best possible manner, limited resources में unlimited wants को ऐसे allocate किया जाए कि level of satisfaction कैसा हो जाए, maximum. तो ये तो थी इकोनॉमिक्स की बेसिक डेफिनेशन, और इसी को अगर हम सम अप करना चाहें, एक सेंटेंस में कहना चाहें कि ये जो इतनी सारी बात लिखी है इसको हम कहना चाहें, तो आप इसको कहेंगे इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, क्योंकि एफिशिएंट एलोकेशन वही होगी जिससे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कैसा हो रहा होगा, मैक्सिमम। तो ये तो थी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन कि हाउ इसके रिसोर्सेज आर एलोकेटेड इन डिफरेंट वॉन्ट्स इन बेस्ट पॉसिबल मैनर, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए अनलिमिटेड वॉन्ट्स को कैसे एलोकेट किया जाए कि सेटिस्फेक्शन कैसी हो जाए, मैक्सिमम, इस चीज़ को हमने नाम क्या दिया है, इकोनॉमिक्स का। अब हम मूव करते हैं कि इकोनॉमिक्स की कितनी ब्रांचेज हैं। आपने इकोनॉमिक्स की दो बेसिक ब्रांचेज देखी होंगी, एक आपने कहा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा आपने कहा होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए बाकी सब कुछ सेम है, अगर आप डिफरेंस पूछें तो आपको डिफरेंस लग रहा है आई और ए का ही फ़र्क है। तो बेसिकली आई और ए का ही फ़र्क है। आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल एंड ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट। आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल, ए स्टैंड फॉर एग्रीगेट। इकोनॉमिक्स वही है, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे देखेंगे, यानी इंडिविजुअल कंज्यूमर को देखेंगे, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर को देखेंगे, इंडिविजुअल फर्म को देखेंगे, इंडिविजुअल मार्केट को देखेंगे, इंडिविजुअल एटीट्यूड को, बिहेवियर को देखेंगे, तो वो एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कहाँ लाया करेगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और यही सारी चीज़ें अगर आप एग्रीगेट लेवल पे देखें, एज ए स्टेट लेवल पे देखें, तो वही सारे प्रॉब्लम्स क्या कहलाएंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिविजुअल
सेटिस्फेक्शन देख रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में, सेटिस्फेक्शन एज ए नेशन अगर आप देख रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में, एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस आप इंडिविजुअल देख रहे हैं तो माइक्रो का पार्ट बनेगा, लेकिन एज ए नेशन आप देख रहे हैं तो एग्रीगेट लेवल पे देख रहे हैं तो मैक्रो का पार्ट बनेगा, इंडिविजुअल इनकम की एलोकेशन देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट बनेगा, ओवरऑल नेशनल लेवल पे इनकम की एलोकेशन देखेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बनेगा। तो याद रखें कि इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप इंडिविजुअल बेसिस पे देख रहे हैं तो हम एनालाइज करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और अगर आप एग्रीगेट लेवल पे देख रहे हैं तो आप एनालाइज करेंगे किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स के कोर्सेज भी अलग से डिज़ाइन होते हैं, मैक्रो भी अलग डिज़ाइन होते हैं, कुछ कोर्सेज डिज़ाइन होते हैं उनमें से एक है आपके पास बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो कि बिजनेस इकोनॉमिक्स की जो नेचर है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, माइक्रो प्लस मैक्रो। कुछ बिहेवियर हम इंडिविजुअल लेवल पे देखेंगे और फिर कुछ हम एग्रीगेट लेवल पे देखेंगे ताकि बिजनेस रिलेटेड एप्लीकेशन हमें समझ में आए, हमें ये समझ में आए कि फर्म, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर कैसा बिहेव करता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स के कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। तो इसी तरीके से इन दोनों का जो कम्बिनेशन है वो आपके पास कोर्स है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। और इसी तरीके से अगर हम इसी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को हम मैथमेटिकल एप्लीकेशन अप्लाई कर लें, अप्लाइड साइड पर ले जाएँ, तो जब यही सारी चीज़ें अप्लाइड साइड पे जाएं, स्पेशली माइक्रो इकोनॉमिक्स की एप्लीकेशन हम देखें कि इंडिविजुअल अगर बिहेव कर रहा है कैसे कर रहा है तो उसकी मॉडलिंग कैसे की जा सके, मैथमेटिसाइज उसको कैसे किया जा सकता है, तो इस तरह की मैथमेटिकल एप्लीकेशन जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में अप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास कोर्स बनता है वो है मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स, जिसमें हम इंडिविजुअल बेसिस पर डिसीजन लिए जा रहे होते हैं ये फॉर्म्स को कितना यूनिट प्रोड्यूस करना है, कितने यूनिट प्रोड्यूस नहीं करना है, प्रॉफिट कब मैक्सिमाइज हो रहा है, कब मैक्सिमाइज नहीं हो रहा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में या बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम थ्योरेटिकल फाउंडेशन देखेंगे कि फॉर्म को कहाँ मैक प्रोड्यूस करना चाहिए, और जब हम मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो वहाँ हम वो प्रॉफिट भी फाइंड करेंगे कि अगर फॉर्म इतने यूनिट प्रोड्यूस करे, पहले तो ये निकालेंगे कितने यूनिट प्रोड्यूस करना चाहिए, फिर कितने यूनिट प्रोड्यूस करने से प्रॉफिट कितना आएगा, कॉस्ट कितनी आएगी, रेवेन्यू कितना बनेगा, ये सब हम जब अप्लाइड साइड पर करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे किसमें, मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स में। तो आई होप ये इकोनॉमिक्स का डिस्कशन आपके समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।